अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई क्यों लड़ा है, क्या गठबंधन लड़ा है या एनडीए लड़ा है, आप बता दें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, चाहे बाबा साहब संघर्ष से बदौलत, मान्यवर साहब के संघर्ष बदौलत, आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायती संघर्ष बदौलत संघर्ष कर रही है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, असमता मूलक समाज को बराबरी दर्जा दिलाने के लिए। आप देखेंगे 2007 से 12 तक सरकार रही, 7 से 12 तक, 12 से 17 तक, 17 से 22 तक दो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी चल रही है। तो ये तीनों सरकार में आप कंपेयर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिला, सरकार में मिला, शासन प्रशासन अनुशासन बहुजन समाज पार्टी सरकार में मिला, बहन जी की सरकार में मिला, बहुजन समाज पार्टी सरकार में सर्व समाज को सम्मान मिला, हक अधिकार मिला, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो बनिया समाज का हो, चाहे किसी समाज का, सोनकर समाज का, पासी समाज, बहन जी ने स्वर समाज को सड़क से लेके संसद तक पहुंचाने का काम किया। और सवाल आ जाता ना साहब, अगर सबका ध्यान रखा जो आप हमको बोल रहे हैं कंपेयर कर लीजिए, जनता कर रही होगी, फिर वो सत्ता क्यों नहीं दिखती? अब जनता जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भकामे में 5 साल आई, 10 साल आई, अब जनता साइलेंट हो गई है, अब जनता याद कर रही है कि 2007 से 12 तक सरकार कैसी थी, 12-17 कैसी थी, 17-22। तो इसी सरकार में अब जनता जान चुके हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायती मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर जनपद से भारी बहुमत जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायती इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, तभी देश में कानून व्यवस्था। उधर जा रहा हूं, पर उससे पहले एक जो उन्होंने बात पूछी कि क्यों नहीं आपके भाषणों में विकास की बात आती है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 40 मिनट बोला गया तो विकास क्यों नहीं? देखिए, हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं ना, हम मिर्जापुर के सेंस में मैंने कहा ना कि हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और रह गए विकास का इतना ज्यादा हुआ है मित्रवर ना कि वो तो वही वाली बात आ रही है कि ऐसे ऐसे मंजर अब आने लगे हैं, लोग गाते गाते अब चिल्लाने लगे, बस चिल्लाने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। देखिए कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पे कुछ नहीं, यार चुप रहिए। कांच की घाड़ी जो है आप बार बार नहीं चढ़ा सकते, दो बार जनता ने सपा को यहाँ देख लिया है, वो जी नजर नहीं है, नजारा नजर नहीं है। मुहावरा हुआ, ये भी खुश हुआ आपने बोला तो, आप बहुत देर से खड़ी हैं जी। देखिए ये 2014 से जुमले की बरसात कर रहे हैं पूरे देश में। सच्चाई यह है कि आज भी हमारा नौजवान भाई बेरोजगार है, बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। क्या चुनाव जिंदगी भर बिजली पानी पर ही होना चाहिए? नौकरी के लिए नहीं, जो बोलेगा नौकरी के लिए उसको देशद्रोही बता के आप जेल में डाल दोगे, जो महंगाई की बात करेगा उसको पाकिस्तानी बता दोगे, ये कोई तरीका है? लोकतंत्र संविधान हमारा अधिकार है, हमें अपनी आवाज उठाने का, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आवाज दबाने का काम ये सरकार, आज 900 का सिलेंडर है, अभी 1200 का सिलेंडर आ रहा था, अभी चुनाव बीतेगा कि 1200 सिलेंडर हो जाएगा, 200 किलो दाल है। आप बोल रहे हैं आपकी सरकार आ रही है तो चुनाव के बाद कैसे 1200 हो जाएगा? सुनिए ना, सरकार तो मेरी आ रही है, लेकिन जो लोग जुमलेबाज है मैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी तक जुमलेबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जुमले में नहीं आने वाली है। अब वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सारी सुविधाएं इंडिया गठबंधन की, सर माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है 8,500 रुपया गरीब महिला के खाते में हर महीने जाएगा, सरकार आते ही 30 लाख नौकरी नौजवानों को मिलेगी। मैं आ जाता हूँ, वही आ जाता हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक मिनट। ये बताइए आप लोगों का दल जो है, वैसे तो बड़े बड़े जो तमाम नेता है वो तो कहते हैं कि किधर भी चले जाओ, पर खड़े आप लोग इधर ही दिखाई दे रहे हैं आजकल जमीन पर। माननीय लोकप्रिय सांसद हम सबके आदरणीय माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो कि लोकप्रिय भी हैं और संसद में बात भी उठाती हैं, लोगों की समस्याओं को वो एक जांच से ले ली हैं। आज वो कुछ दिन पहले कुंडा विधानसभा प्रतापगढ़ में राजा भैया के पास क्षेत्र में जाती हैं और बयान देती हैं कि कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, राजा अब ईवीएम से पैदा होता है। और ये जो क्षेत्र है ये किसी की जागीर नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ऐसा प्रतिनिधित्व आप इन शब्दों के साथ करेंगी तो हमारे क्षेत्र का क्या नाम होगा? आपसे उम्मीद नहीं थी, अगर आप 8 पास होती तो बोलती अच्छा लगता। आप पोस्ट ग्रेजुएट है, शिक्षा में शक पैदा कर दी है आप जनपद मिर्जापुर में। आज मिर्जापुर का जो चुनाव है, युवा हृदय सम्राट यानी यूथ आइकन जो है राजा भैया और माननीय अनुप्रिया पटेल जी के बयान पर है। आज जनपद में जितने भी युवा मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी यूथ आइकन हैं जनपद के,
जो बच्चे अच्छा अच्छा काम करते हैं सब राजा भैया को अपना यूथ आइकन मानते हैं। और आपको इधर खड़े होते देखकर ये बड़ा खुश होते हैं कि पुराने दोस्त साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी एक मिनट, ये बोल रहे थे मुद्दे पर नहीं आए। हाँ, आप मुद्दे पर नहीं आए अभी तक, हम आपके बीच आ गए ना, हमारे बीच तो आए हैं आप। देखिए राजेंद्र भाई जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं बहुत चालाक है, चालाक है, बहुत चालाक है, बड़ी बुद्धिमानी से टाल रहे हैं। सही बात तो यह है कि यह बाहरी कैंडिडेट है, स्थानीय कैंडिडेट नहीं है अनुप्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, समझ रहे हैं ना, यह किसी गांव को जानती है ना किसी गांव के नेताओं को जानती है। सत्यता तो यह है कि किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं तमाम लोग उसको जानते भी नहीं। इस बार ऐसी परिस्थिति आई है क्योंकि हम लोगों ने इन्हीं का एक सांसद जिनको इन लोगों ने पहले तो सर पर चढ़ाया बाद में उपेक्षित कर दिया तो हम लोगों ने ले लिया उसको। सत्यता यह है कि वो लोकल प्रत्याशी है, वो सबको जानता है और सबको पहचानता है। लंबे समय से विधायक रहा है, सांसद रहा है, मिर्जापुर जनपद के तमाम लोगों को काम किया है। एक बात इन्होंने सुरक्षा कहा मेरे बड़े भाई ने, यहाँ लालगंज में नक्सल गतिविधियां संचालित होने के कारण 3 बच्चों की हत्या हो गई जो ब्राह्मण थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। और यह कहते हैं कि सुरक्षा का मामला है तो आज तक आप, अरे बैंक की डकैती हो गई, सारी आम ही लूट हो गई शहर में, आज तक उसका सही खुलासा नहीं हो पाया। आपसे बात अभी तक मैंने कहा, एक एक करके सब पर आ रहा हूँ। यही बात कि तमाम मुद्दे उठ रहे हैं लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या इन मुद्दों की पूरी फेहरिस्त में जैसे ढेर सारे मुद्दे उठे, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है कि आप लोग एक उम्मीद रखें इस बार? देखिए सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी चीज है। आज आप देख रहे हैं जन जन त्रस्त है और युवा एकदम बेरोजगारी रूप से जो लाखों लाख रुपए खर्च करके परिवार की उम्मीद लेकर के पढ़ लिख रहा है और एकदम बेरोजगार की तरह घूम रहा है। आप सोचिए कि उस बाप पर, उसके माँ पर, उसके परिवार पर क्या असर पड़ता होगा। यह सरकार जुमलों की सरकार, आप सुने हैं कि 2 करोड़ की बात की है, आज लाख नौकरी भी नहीं दे पाने में असमर्थ है। स्थिति इतना बदतर कर दे रहे हैं कि आने वाला समय आदमी का खून आदमी पिएगा, इसलिए बहुत खराब स्थिति बनाए हैं जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। जो परिवार चला रहा है वही दर्द समझ सकता है, जो परिवार वाला है ही नहीं उसको दर्द कभी समझ में नहीं आ सकता। मैं वहीं आता हूँ। तारीफ करते करते चालाक कह गए, हमको समझ नहीं आया तारीफ थी कि बुराई थी, तंज था। अब क्या था, मुनी से पूछिए, राजधर जी से। ये बात आई कि बेरोजगारी पे, बिल्कुल सही, बड़ा भाई कह कह के इतने प्यार से तारीफ कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। बात सब कोई आदर कहता है तो हमको और डर लगता है कि एक लाइन और विपक्ष की आएगी। पाठक जी ने अभी एक बात कही बेरोजगारी की, संभवतः ये कांग्रेस से आते हैं और इन्होंने वो नहीं पढ़ा है कि कांग्रेस ने भी 1 करोड़ देने का वादा किया था, याद होगा 2004 में। इस इशारे को क्या समझाया, आप बोलना शुरू कर रहे हैं, इधर आ रहा है तूफान। ये तूफान आना, यही तो तूफान तो आना है। तो मेरा ये है कि आज 64 करोड़ युवा है, 64 करोड़, 140 करोड़ में 64 करोड़ है। अगर यहाँ ये माना जाता है कि बेरोजगारी का, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो रोजगार है, बाकी कुछ उनको रोजगार नहीं लगता। देखिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, जीएम पोर्टल पे जाना क्या है, बात आप समझिए, और दो 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया हर रोजगार, जो रोजगार करने वाला है उसको विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा है, विदाउट कागज मिल रहा है। अब आप कुछ करोगे तो है या नहीं, तो फिर भैया अब लो 66 करोड़ तो नौकरियां नहीं है, 66 करोड़ को नौकरी भी कहा जा सकती है। देखिए स्थानीय मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। पहली बात, ये बहुत हिंदूवादी नेता बनते हैं, भाजपा के लोग हिंदूवादी नेता बनते हैं। आप आए हैं मिर्जापुर में, आपका स्वागत है, आप विंध्याचल चले जाइए। हमारा 3 धाम होता है, विंध्याचल में त्रिकोण माना जाता है, विंध्याचल, अष्टभुजा और कालीखो, तीनों त्रिकोण के बीच में ये टोल टैक्स लगा के मिर्जापुर वासियों से कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का काम करते हैं। पहली बात, सर्वप्रथम आपके चैनल को माँ विंध्यवासिनी की पावन धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर नमामि गंगे परियोजना आज घाट के पास एक कार्यक्रम रखा गया है, नमामि गंगा योजना चालू हुई थी। आज गांव घाट का दशा देख लीजिए, ओलियर घास, सुंदर घास से मल मूत और गंदगी नाली के डायरेक्ट गंगा जी में गिर रही है।
और रोजगार के मामले में ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक करा दिया, इन्होंने आरओ का पेपर लीक करा दिया, इन्होंने नौकरी देने का लिया, इन्होंने क्यों रोजगार का नाम पे ये लोग क्यों पेपर लीक कराए। पेपर लीक वाली सरकार है सर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।